नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव प्रशांशु पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अभिप्सा में। अब यहां जो है अभिप्सा आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि अभी आप कक्षा 12वीं की भौतिकी के लिए एग्जाम सीरीज देख रहे हैं अभिप्सा के प्लेटफॉर्म में, और यूट्यूब पर आपको एग्जाम सीरीज मिशन 2023 चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ हमारा उद्देश्य है हर एक छात्र को, हर एक स्टूडेंट को परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार करना। तो यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है, तो आपको हमारे मतलब हर एक टीचर के पहले वीडियो से लेके शुरू तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आप सब्सक्राइबर नहीं है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के होते तक पूरे समय हम आपके साथ बने रहेंगे। हर एक दिन वीडियो मिलेगा और हर एक दिन हम किसी न किसी तरीके से अपने गोल, अपने रिजल्ट की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज की बात क्या है? आज की बात है विद्युत धारा, क्योंकि जब ये अध्याय 3 चैप्टर 3 है और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3.1 कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो हमसे पुराने प्रश्न पत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन प्रश्न पत्रों में ये जो है सिर्फ कुछ विशेष प्रश्नों को जो है देख रहा है। इसके बाद में आपको 3.2 और बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। कब पूछा था? 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अब यदि आप लोगों ने अनुगमन वेग से जुड़ा हुआ हमारा ये वीडियो, क्योंकि इससे पहले जब हम जो है पूर्व प्रश्न पत्रों को चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले हम लोगों ने सारे सिद्धांत समझे हुए हैं, उन सिद्धांतों को डिटेल वीडियो जो है आप लोगों के सामने उपलब्ध है। और अभी जो है हम इसको शॉर्टकट में करेंगे, लेकिन आपको परीक्षा का उत्तर कैसे लिखना है इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है जब भी अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं, तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में जो है हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक चालक है। हम लोगों ने मान लिया कि इस चालक की लंबाई L है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। हम लोगों ने एक बात और मान ली कि इसके प्रति एकांक आवेश में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। फिर हम लोगों ने माना कि यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल n हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको स्मॉल n को गुणा करना पड़ेगा उसके आयतन से। ये आयतन है, और यदि हम जो है आयतन से उसका गुणा करना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने n के साथ में कैपिटल A यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई L का गुणा कर दिया। ये इससे जो है हमको आयतन से गुणा हो गया प्रति एकांक आयतन में उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां से हमको कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुल आवेश जिसका ट्रांसफर हो रहा है अगर वो Q है, तो कुल आवेश का मान कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यदि हम गुणा कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो कुल मिला के जितना आवेश यहां से जा रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। और इसके बाद में जो है यदि हम ये ज्ञात करना चाहें कि कुल मिला के करंट यानी कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो इसका सूत्र होता है क्यू बटा टी। और यहां से अगर हम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर क्यू का मान हो जाएगा आईटी, और हम इन दोनों में से जो जिसकी भी जो है सूटेबल जरूरत पड़े, हम उन चीजों का उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद में हम लोगों ने इसी चैप्टर में यानी कि इसी डिस्कशन में एक और बात की थी, और वो है ऊष्मीय गति। हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी चालक के अंदर इतने सारे कुल मिला के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जब जो है किसी भी परमाणु को ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, तो उसके आवेशित कणों में यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनों में और उसके प्रोटॉनों में दोलन होने लगता है, और इस दोलन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने अपने पैरेंट एटम को छोड़ के, अपने मुख्य नाभिक को छोड़ करके इधर उधर रैंडम ढंग से गति करने लगते हैं, इधर उधर किसी भी गति से चलायमान होते हैं। हम लोगों ने यदि माना कि प्रत्येक आवेश का जो है भाई U1 U2 U3 या यहां से आकर के कुल मिला के N आवेश होने के कारण UN, यदि ये कुल मिला के जो है सभी आवेशों की अपनी अपनी गति हो, तो यदि हम इसका औसत निकालें, यदि हम इसको N से भाग दे दें, तो कुल मिला के जो ऊष्मीय गति होगी उसका औसत मान शून्य होगा।
अगर ऐसा नहीं होता तो इस चालक से किसी विशेष तापमान पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता, जो कि नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि इसी चालक को हम लोगों ने बाह्य रूप से विद्युत विभव में कनेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर बैटरी लगा दी, और ये बैटरी लगाने के बाद में यहाँ पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक विभव जो उत्पन्न हो जाता है, और इस विभव, अब इस विभव का नाम V रख देते हैं, तो इस विभव V के कारण कुल मिला के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और गुणा उसकी कुल लंबाई L के बराबर होगा। ये क्या है? ये है विभव और ये है क्षेत्र। ये सारी चीजें जो है आपको और डिटेल से समझ में आएंगी, हम जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। अब विद्युत विभव लगा दिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक विशेष बल का अनुभव होगा, वो बल जो है विद्युत बल होगा, विद्युत बल होगा, और ये विद्युत बल का मान F बराबर Q गुणा E होगा। अब ये जो बल हमको समझ में आ गया है, ये Q जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए E होगा, तो यहाँ पर ऋण E, ये जो है कुल बल का मान हो जाता है। और यदि हम जो है यहाँ पर त्वरण का मान उत्पन्न मतलब जानना चाहें, तो त्वरण का मान A बराबर F बटा M होता है, और यहाँ से ये जो है संबंध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण E बटा E, और बटे में हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लेंगे। ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। यहां से हम अगली बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमको जो है काइनेमेटिक इक्वेशन यानी कि गति का समीकरण से हमको पता है कि v बराबर u धन at होता है। तो यदि हम देखें कि v1 का मान निकालना चाहे तो ये हो जाएगा u1 धन at1, और इसी तरीके से यदि हम vn का मान निकालना चाहे तो ये हो जाएगा un धन atn। यहाँ पर जो है फिर हम एक नई राशि को परिभाषित करेंगे, और यहाँ पर T है क्या है, लगातार दो टक्करों के बीच, लगातार दो टक्करों के बीच शांति का, शांति। अब हम लोगों को शांति काल परिभाषित करने के लिए एक अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी कोई बाह्य विद्युत विभव जो है किसी चालक के सिरों पर लगाया जाए, तब उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही दिशा में त्वरित गति करने लगते हैं। इन त्वरित गतियों के दौरान जब एक आवेश दूसरे आवेश से टकरा कर अपनी ऊर्जा खो देता है, तो ऐसे दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय है उसे हम शांति काल कहते हैं, वही शांति काल हम लोगों ने परिभाषित कर दिया। अब इस तरीके से यदि हम ये कहें कि हमारे पास में V1 धन V2 धन और इस तरीके से Vn कुल मिला के n इलेक्ट्रॉन है, जिनकी मतलब जिनकी जो है अंतिम गति V ऐसे है, तो इस समीकरण से जो है हम क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा U1 धन AT1 और इसी तरीके से U2 धन AT2, यहां पर धन का चिन्ह आएगा, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हमको UN धन ATN ये मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा V1 धन V2 धन और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम VN तक पहुंच गए, और ये किसके बराबर हो जाएगा U1 धन U2 धन और यहां से UN तक आ जाएंगे, और इसी तरीके से यहां हम जो क्या करेंगे, A को जो है यहां पर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेंगे, और यहां हो जाएगा T1 धन T2 धन और ये आ जाएगा TN तक, ठीक है। यहां तक की बात करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि औसत औसत अंतिम वेग निकालने के लिए हम लोगों ने यहां पर जो है n से भाग दे दिया, और इसीलिए जो है यहां पर भी हमको n से भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर n से भाग देने पर हमको ये विशेष चीज नजर आती है, U1 धन U2 या धन U3, ये क्या है, ये तापीय वेग यानी कि ऊष्मीय वेग है, और इसका मान शून्य होता है, हम लोगों ने पहले ये देखा हुआ है। और इसके बाद में जो है हम क्या देखते हैं कि ये जो त्वरण है इसको हटा दो, तो ये जो कोष्टक के अंदर की राशि आपको नजर आ रही है इसको जो है हम टाउ लिख देंगे, तो ये टाउ क्या हुआ भाई, और ये जो पूरी राशि है
इसका नाम हम रख देंगे वीडी। तो ये क्या है, ये है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है। और ये हो गया औसत, औसत शांतिकाल, औसत शांतिकाल, या इसको विश्रांति काल भी कहते हैं आप, जो है इसमें जो है विश्रांति काल, ये आप लोगों ने देख लिया। अब विश्रांति काल के बारे में जो है, अगर आपको मतलब इसकी परिभाषा देना है कि विश्रांति काल या औसत शांति काल क्या होता है, तो सभी श्रांति कालों का योग करने से हमको विश्रांति काल मिलता है, या ये फिर वह औसत समय अंतराल है जिसमें जो दो आवेशों के दो लगातार टक्करों के बीच का औसत शांति अंतराल जो है वो शांति काल कहलाता है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको अंतराल, ठीक है। तो यहां पर से जो है दो चीजें मिल गई, हम एक और पेज लेते हैं और यहां लिखते हैं वीडी, ये क्या है, शांति काल बराबर ए गुणा टाउ। अच्छा, ए का, ए के लिए जो है हम लोगों ने यहां पर क्या देखा है, ए के लिए हम लोगों ने देखा है कि ए का मान है ऋण ई E बटा एम ई, तो ये चीज जो है हम डाल देंगे तो VD का मान हो जाएगा ऋण ई कैपिटल ई बटा एम ई, और यहां पर हो जाता है टाउ। ये जो है शांति काल का सूत्र है। शांति काल के सूत्र के बाद में हमसे जो है प्रश्न में क्या उम्मीद की जाती है, हम अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो अब जो है इसी आंसर का जो है, इसी आंसर का दूसरा जो पार्ट है उस पर हम आ जाते हैं, और यहां पर जो है हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। चलिए, अब जो है हमको पता है आई माने करंट होता है और ये होता है कुल आवेश बटा समय। लेकिन जो है अब हमको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, और वो है कि वेग v बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब जो है हमको क्या करना है भाई, वेग बराबर दूरी बटा समय, और हमको जो है यहाँ पर जो है केवल समय पता है, तो समय, समय का जो है के बदले हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर जो है समय t बराबर, अब क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा, दूरी बटा वेग, तो ये हो जाएगा d बटा v, और ये संबंध जो है हम उपयोग करेंगे, और यहाँ हम लिख सकते हैं आवेश धारा i बराबर आवेश बटा दूरी और बटा वेग। अब देखो ये जो आवेश है इसके लिए हम लोगों ने क्या परिभाषा लिखी है, इस आवेश के लिए हम लोगों ने परिभाषा लिखी है क्या, ये एन ए एल, अब यहां पर जो है कुल आवेश का मान अगर हमको निकालना है तो ये कैपिटल एन ई हो जाएगा, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एन ए एल और ई, एन ए एल ई। तो यहां पर जो है हम इस आवेश के बदले क्या लिख सकते हैं, यहां पर एन ए L और ये E, यहाँ पर जो है N क्या है, प्रति एकांक आवेशों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A जो है वो तार का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L जो है तार की लंबाई है, और E क्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ नीचे देखते हैं कि ये दूरी आखिर है कितनी, तो एक आवेश को किसी भी चालक के अंदर कितनी दूरी तय करनी है, यहां से निकलने वाला आवेश चल करके यहां तक पहुंचेगा, मतलब उसको L दूरी तय करनी है, तो यहां D के बजाय जो है हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, और बटा जो है इसका वेग क्या होने वाला है, तो अभी अभी हम लोगों ने परिभाषित किया है कि ये वेग जो है क्या है, अनुगमन वेग है, तो यहां से जो है हम लोग VD डाल सकते हैं। तो ये सूत्र जो है आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो चीजें कटती हैं वो कटा देंगे, मतलब कि ये L और ये वाला L कट जाएगा, और हमको विद्युत धारा का मान I बराबर कितना मिलता है, I का मान मिलता है N A और उसके बाद में ये हो गया E और N A E और ये VD, ये विद्युत धारा का पहला स्वरूप है N E A VD। अगर हम जो है इसमें और सुधार करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, I बराबर N E A और यहां पर VD हो जाता है, लेकिन इस VD का मान क्या है, VD का मान है ऋण E कैपिटल E और बटा
एम ई, ये जो है देखिए, और गुणा टाउ, तो यहां पर और गुणा टाउ, तो ये जो है हम लोग अगर यहां उपयोग करें तो ये आई का मान और क्या हो सकता है, एन ई ए, और यहां पर हो जाएगा ऋण ई कैपिटल ई बटा एम ई और गुणा टाउ, तो यहां से हो जाएगा ये एन ई का वर्ग, ऋण चिन्ह लगा के एन ई का वर्ग ए ई टाउ और बटा एम ई, ये जो है विद्युत धारा का मान है। यहां पर हम एक और काम कर सकते हैं, और वो काम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग जो है हम अगले प्रश्न में करने वाले हैं, इसलिए आप देख लीजिए कि यहां पर जो है हम और लिख सकते हैं इसको। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने विभव प्रवणता के बारे में पढ़ा है, तो ये हो जाता है V बटा D यानी कि V बटा L, तो यहां से जो है हम विद्युत क्षेत्र का मान E के बदले जो है वो रख देंगे, तो I का मान हो जाएगा N E का वर्ग A, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर कैपिटल V, आप समझिए यहां पर ध्यान रखिए कि ये विद्युत विभव वाला V है, इसलिए कैपिटल V, और यहां हो जाएगा टाउ और पूरे का बटा एम ई, इसको ठीक से लिखते हैं एम ई, और यहां पर जो है बटे में एल है, तो ये बटे में एल आ जाएगा। तो ये विद्युत धारा के हमारे पास में कितने मान आए, हमारे पास में विद्युत धारा के तीन मान आए, पहला सूत्र ये, दूसरा सूत्र ये, और तीसरा सूत्र ये, हमसे इसी बात की जो है उम्मीद की जा रही थी। तो अब हम बात करते हैं कि आपको यहां पर पांच नंबर कोई कब देगा, कैसे देगा। सबसे पहला नंबर आपको कहां से मिलने वाला है, जब आप यहां पर चित्र बनाएंगे और आपने क्या चीजें क्यों मानी है या किसे क्या माना है, इन सब चीजों के बारे में जब आप लिखते जाएंगे, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे L और उसके बाद में लिखेंगे चालक की लंबाई, A और उसके बाद में लिखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके बाद में स्मॉल एल लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस तरीके से N मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q मतलब कुल मिला के आवेश, E मतलब क्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस तरीके से जब ये सारी चीजें आप चित्र के साथ लिखेंगे तो आपको दो नंबर मिलेंगे। दो नंबर के बाद में जब आप जो है ये सारे सूत्र लिखते जाएंगे कि आपने जो है किन किन उपलब्ध जानकारियों का, पहले से उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया, तो यहां पर आपको जो है एक नंबर और मिलेगा, और जब जो है आप निष्कर्ष के तौर पर ये सारी जानकारियां दे रहे होंगे, आपने अनुगमन वेग का जो है सूत्र लिखा, आपको एक नंबर यहां मिलता है, और उसके बाद में जो है यहां पर भी आपको एक नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आपको पांच में पांच अंक मिल गए, और अभिप्सा के प्लेटफॉर्म में आपके जुड़े रहने की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको न सिर्फ हम प्रश्न, बल्कि उस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो है किस वर्ष में जो है इस प्रश्न को पूछा गया था ये भी बता रहे हैं, और इन सारी जानकारियों के अलावा हम आपको और क्या बताएंगे कि प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दें कि आपको पूरे में पूरे अंक मिल सके। तो आपका काम है कि अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर करना कि भाई अभिप्सा में इस तरीके की तैयारी चल रही है, आप हमसे जुड़िए और अपने अपनी तैयारी को एक रॉकेट जैसा फोर्स भेज दीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट पर भी जो है विशेष क्लासेस लग रही है जो हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट होने वाली है, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ रहिए। और एक खास बात यह कि अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां ये वीडियोस तो मिल ही जाएंगे जो YouTube पर वैसे भी उपलब्ध हैं, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा हमारा माइंड मैप, हमारे शॉर्ट नोट्स, और हमारे द्वारा आपको प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा जितनी भी जो है बेनिफिट्स मिलने वाली है सारी एप्लीकेशन पे है। तो आप आइए हमारे एप्लीकेशन में, गूगल प्ले स्टोर पे जब आप अभिप्सा सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, लोगो तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।